हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास है बजाज प्लैटिना 100। ये BH4 का लास्ट मॉडल। इसमें का जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम, मैंने पहले पेट्रोल है तो वो चेक किया हूँ। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, करंट का ही प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने तो वो भी चेक किया हूँ। तो फर्स्ट आपको वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें जो करंट आना चाहिए वो करंट नहीं आ रहा है। ये इग्निशन स्विच ऑन किया हूँ, अभी इसमें तो करंट आना चाहिए तो करंट नहीं आ रहा है। देखिए तो करंट नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, आज इस वीडियो के जरिए से टोटली जानकारी देने वाला हूँ। जो दोस्त काम सीख रहा है, जिसके पास प्लैटिना बाइक है, वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक में भी इस तरह प्रॉब्लम है तो आपको कैसे सॉल्व करना है तो देखिए। मेरे को फर्स्ट ए सीट को खोल लेना है। ए सीट खोलने के लिए ए साइड का जो पैनल रहता है, ए पैनल को खोलना है। देखिए ये तो खोलने का काम हो गया। अभी ए वायर को थोड़ा खींचने से और सीट को ऊपर की तरफ उठाना है। देख सीट उठाने का काम हो गया। देखिए तो ए वायर के वजह से मेरे को तो अभी लग रहा है, ये जो वायर इसमें चूहा ने थोड़ा काट किया है। देखिए ये जो वायर सीधे का, ये तो सही है। अभी मेरे को ये फ्यूल टैंक भी बाहर कर लेना है और बैटरी में भी चार्ज नहीं है तो उसके बाद तो स्टार्ट तो लेना चाहिए। देखिए ये दोनों खोलने का काम हो गया, अभी बाहर कर लेना है। ये तो हो गया, आपको भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम। देखिए ये जो वायर, इस वायर, ये वायर दोनों काट होने से इसका जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वो आया है। अभी ये वायर को जोड़ लेना है, ये जोड़ के इसका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको देखना है। तो आइए फर्स्ट इसको जोड़ लेता हूँ। ये दोनों वायर जोड़ने के लिए देखिए ये इसका हालत, ये तो सही नहीं, एक जोड़ने इधर से जोड़ने का काम होगा नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा अलग तरह से जोड़ना है, नहीं तो इसका जो प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा नहीं, और नहीं तो टोटल आर्मेचर को खरीदना पड़ेगा। तो देखिए इधर जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद फर्स्ट इसको इधर ही टेप कर लेना है। इधर जोड़ने का काम हो गया। एक हो गया, ये जो पिकअप कॉइल का वायर, देखिए दोस्त ये हो गया, अभी स्टार्ट देकर दिखाता हूँ। और आपका बाइक में भी इस तरह प्रॉब्लम आए तो करंट का प्रॉब्लम, तो फर्स्ट वायर को चेक कर लेना है।
देखिए वायर काट होने से इस तरह प्रॉब्लम आया था, अभी इग्निशन स्विच देखे इसका जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ कि नहीं है वो देखिए। देखिए इग्निशन स्विच ऑन किया हूँ अभी, देखिए करन आ रहा है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताया वो दूर रास्ते लगा होगा, और जितने बस ओके बाय।